मुझे नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, छोड़ो सॉरी ये गए थे ना लवण्या की पार्टी में गए थे, तो क्या हो गया भाई ऐसे क्यों कर रही है, बैठ इधर। वहाँ पे पार्टी में गए थे, कुछ और करने गए थे, कोई दाना होता, दाना भी नहीं है यहाँ पे, कुछ काट, ये लव बाइट है, करो उसी से करवा के लाओ ना जिसने कराया सब कुछ, छोड़ो इधर, अरे बदतमीजी मत करो, छोड़ो मेरा हाथ, उसी लवण्या के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों, छोड़ो। So, hey guys, what's up? कैसे हो सारे? Hope करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो तुम्हारा भाई हाजिर है तुम्हारे लिए एक और प्यारी सी प्रैंक वीडियो लेके। So, guys, आज का प्रैंक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, और प्रेरणा को मैंने बुला लिया कॉल करके, तो उसके आने का मैं वेट कर रहा हूँ यहीं पे बैठ के, और बाकी तुम्हारा भाई करने जा रहा है आज कुछ स्पेशल प्रैंक, दिख रहा होगा तुम्हें कुछ, बाकी नहीं दिख रहा तो प्रेरणा दिखा देगी अभी आएगी तो मुझे, बाकी वीडियो इसके मत करना एंड तक देखना, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अनुपनियाल 74। सारे स्पीकर्स, अरे वो रोहित का बर्थडे आ रहा है ना, तो बर्थडे आ रहा है तो स्पीकर से क्या होगा, डीजे बुक कराना था। अरे भाई डीजे का तुझे पता है लॉकडाउन में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, और जब मुझे सेम चीज मिल रही है यार, डीजे की जरूरत क्या है इसमें, साउंड क्वालिटी सुनी तूने इसकी, तुम पागल हो गए हो, स्पीकर्स डीजे का मुकाबला करेंगे, इसकी क्वालिटीज बाद में बताऊंगा, पहले इसकी साउंड सुन उसके बाद बोलियो। पावर ऑन, डिवाइस पेयर्ड, सदाए संकेत मेरा रिश्तेदारा नू, सोचो ना कच्चे पैर जट डिग जाऊगा, जे तुनू असी साइकिलां ते डिग गए जेड़े कदे गड्डियां। तो कैसी लगी भाई साउंड क्वालिटी? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं था कि मतलब होगी इसकी इतनी वॉइस, दिखने से इतना छोटा सा, और मजा आया ना छोटा, अभी तो बड़ा धमाका। अभी तो इसके बारे में बता रहा हूँ, और इनकी आवाज के बारे में मैं तुझे अभी दिखाता हूँ, और इनकी क्वालिटीज भी बताता हूँ। तो देख, सबसे पहले मिल जाते हैं तुझे आईकॉल के लाइटनिंग ब्लूटूथ रिचार्जेबल स्पीकर विद इनबिल्ट एफएम, ये सिर्फ मिल जाएंगे तुझे 589 के, और इसे कैरी करना बहुत इजी है यार, और साउंड की तो बात ही मत पूछ भाई, मजा आ जाता है इसकी साउंड क्वालिटी में, कानों में बिल्कुल नहीं चुभती इसकी साउंड, और इन स्पीकर्स को तू यूज कर सकता है यार अपने इजी तरीके से, अपने शॉर्ट वीडियोस बनाने में, आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स चल रहा है, इंस्टाग्राम रील्स चल रहा है, और अब बात करते हैं पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, जो कि आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगा, और इसका प्राइस भी बहुत कम है 499, और इजी टू कैरी है, कहीं भी जा ले जा सकते हो आप इसे, और मस्त गाने सुन सकते हो। और अब बात करते हैं स्पॉट्रॉनिक साउंड ड्रम के बारे में, जो कि आपको सी टाइप चार्जिंग केबल के साथ मिल जाएगा, और इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है 1399 में, और भाई इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ये चार्जिंग के लिए स्लॉट मिल जाएगा, पेन ड्राइव के लिए स्लॉट मिल जाएगी, ये तो आपको हर स्पीकर्स में मिलेगा, स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इस टच लैम्प पोर्टेबल स्पीकर के बारे में, ये दिखने में जितना प्यारा लग रहा है गाइज, इसकी साउंड क्वालिटी उससे भी ज़्यादा प्यारी है, इसका प्राइस सिर्फ 499 रुपीज़ है। ये देखो इसमें आपको लाइट्स मिल जाएंगे, ये लाइट्स आप चेंज भी कर सकते हैं, और मज़ा आने वाला आपको इसकी साउंड क्वालिटी में, साथ में आपको मल्टी कलर लाइट्स मिल जाएंगी, लाइट्स को चेंज करो, मज़े लो, और फुल बेस के साथ गाने सुनो। तो भाई कैसे लगे स्पीकर्स, मजा आया नहीं आया? यार बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत अमेजिंग है यार। यार मजा कैसे नहीं आएगा, और पूछेगी नहीं अब मंगाया कहाँ से ये मैंने? हाँ, ये कहाँ से मंगाया मैम, मुझे भी ऑर्डर करना है। ये मैंने मंगाया अपने स्टोर से, मेरे स्टोर का नाम है collegedroppers.mera.link, लिंक तेरे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहां से जाके ऑर्डर कर, और बाकी क्वालिटीज तो तुझे पता लग गई है, रील्स बनाने के लिए यूज कर इन्हें, पार्टीज के लिए, इंडोर पार्टीज में तू आराम से यूज कर सकती है, साउंड क्वालिटी तूने सुन ली है कितनी बेटर साउंड क्वालिटी है, कानों में चुभ रही थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं वही चीज नोटिस कर रही थी यार, जो डीजे में ना कानों में चुभता है वॉइस, इसकी बिल्कुल भी नहीं चुभ रही। बिल्कुल, तो ऑर्डर कर, और गाइज आप भी ऑर्डर करो मेरे स्टोर से collegedropper.mera.link, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और गाइज आपको इसमें कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी, और 5 डेज की एक्सचेंजेबल वारंटी मिल जाएगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 5 दिन के अंदर आप एक्सचेंज करवा सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो शॉपिंग बड़ी से डायरेक्टली बात कर सकते हो, और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके सॉल्व कर सकते हो। तो भाई देरी किस बात की कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऑर्डर करो और पार्टी करो यार, पूरे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ चिल करो, बिल्कुल ठीक है ना? सही है यार, मैं भी जाके जल्दी से डाउनलोड करती हूँ। ऑर्डर कर, क्या डाउनलोड करती हूँ? ऑर्डर कर, हाँ सॉरी ऑर्डर करती हूँ। हाँ एंजॉय योर पार्टी यार, मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगता एक तो कहीं पे भी, अपनी फ्रेंड्स से मिलने आया हूँ और वो आ चुकी है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके चुप, मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी? गर्लफ्रेंड हो तो दूसरों से क्यों बोल रहे हो कि फ्रेंड से मिलने आया हूँ? तो सबको बताना जरूरी है, तो छुपा क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए एक तो यार पार्टी छोड़ के आया हूँ, दिखाने तेरा कौन था? कौन ना मैंने, फ्रेंड है मेरी एक। तो तुमने झूठ क्यों बोला फिर? बताओ क्या हो गया, तुमने पार्टी से आए हो? बताया तो नहीं तुमने कि पार्टी से आए हो? क्या बताया ने? कि मतलब पार्टी में जाओगे, तुमने ऐसा तो कुछ बोला नहीं, सुबह तो बात हुई थी हमारी। अरे अर्जेंटली जाना पड़ गया यार,
अर्जेंटली जाना पड़ गया, उसका कोई प्लान नहीं था पार्टी करने का। अब उसने कही कि तू आ जा, मैंने कि चल ठीक है, उसके बाद तेरे से भी मिलना था, तो मैंने फटाफट पार्टी अटेंड करी, थोड़ा सा एंजॉय करा, उसके बाद आ गया। इतना क्या, मैंने कि अभी होगा, अभी तो तेरे को थोड़ी देर का ही काम है ना। क्यों दोबारा जाना है लवण्य के पास? लवण्य और उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं बहुत सारे यार, वही मीटअप कर रहे थे, थोड़ा चिल कर रहे थे, मतलब थोड़ा स्वैग वाला सीन बना हुआ था कैडा सा। तुम चिल छोड़ो, बताओ फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। अरे फ्रेंड हो मतलब क्या, ये क्या उठा हुआ है तुम्हारा, छोड़ दो जो भी हो, मत वो करो, मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी। उसका भी ऐसी है, दूसरे के सामने तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। सेम इयररिंग है उसके, सेम है, सेम इयररिंग उसके। मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या दूसरे के सामने मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हो? अरे यार मैंने ये थोड़ा बोला है, अगर मैं बोलता ना गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ तो इतनी पागल है, कहती हूँ गर्लफ्रेंड से मिलने का टाइम है, थोड़ा वो करती है ना, मतलब पॉसेसिव सी है। तो फ्रेंड ना तो पॉसेसिव क्यों है? फ्रेंड पॉसेसिव होते हैं भाई, जब लड़का ऐसा होता है, देख लड़कियों का सीन क्या होता है ना, मेरा तो कोई फ्रेंड पॉसेसिव नहीं। लड़कियों का सीन पता कैसा होता है, तुझे नहीं पता लड़कियों के बारे में, तू लड़की है तब भी नहीं पता लड़कियों का, ऐसा जैसे तेरा बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ ना, और मैं किसी और लड़की से बात करूँ तो जेलस फील होता है। लवण्य तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड से बढ़ के ही है, उसी बेस्ट फ्रेंड के पास रहो। दो मिनट क्या हो, क्या ये क्या हो गया, ये रेड रेड से क्या हो रखा है तुम्हारा? बे यार ये चींटी काट गई थी, या मच्छर ने काटा होगा, किसी ने काटा होगा। चींटी ऐसा काटती है क्या नु? चींटी ऐसा काटती है? चींटी देख के काटेगी क्या? खुजली और हो रही है यार यहाँ पे, इधर भी हो रही है खुजली, और कहीं नहीं है, यही यही है बस, ये दो जगह ये खुजली हो रही है यहाँ पे। सही कह रही है, कुछ हो रखा है क्या यहाँ पे, देखियो दाना सा तो नहीं हो रखा, कुछ हो नहीं रखा ना ही दान, चींटी काटती ना तो तुम्हारे छोटा सा कोई दाना होता, दाना भी नहीं है कुछ काट, ये लव बाइट है, लव बाइट है। हाँ जी ये लव बाइट है, पागल हो गई है क्या, ये किसी चींटी या कीड़े ने नहीं काट रखा है, वरना और जगह क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, कीड़े ने काटा तो चल के यहाँ यार, यहाँ चल के जाता रहेगा क्या, वो गर्दन पूरी खा जाएगा? नहीं यार फिर भी काट गया होगा, एक जगह दो जगह ही काटा, इधर काटा होगा मच्छर ने, पहले चींटी फिर कोई कीड़ा अब मच्छर, तो मुझे क्या पता किसने काटा यार, तू बात ऐसी कर रही है, मैं क्या उसे देख रहा था, काटने देता अगर देखता तो, काटने नहीं देता, पर क्या पार्टी में गए थे ना लवण्य की पार्टी में गए थे, तो क्या हो गया भाई ऐसे क्यों कर रही है, बैठ इधर आके, पार्टी में गए थे कुछ और करने गए थे, बैठ इधर आके बैठ, मैं जो पूछ रही हूँ ना उसका आंसर दो मुझे, पार्टी में गए थे या कुछ और करने गए थे? कुछ और क्या यार, पार्टी में क्या करते हैं जाके, क्या करते हैं तो ये क्या है फिर, डांस वांस कर रहे थे थोड़ा फन वाला, ये डांस कर रहे थे, वो डांस की जगह कुछ और तो नहीं हो रहा था यार, पार्टी में नाचते कैसे, नाच ऐसे, वाह मैं किसी की पार्टी में जाऊंगी तो ऐसे नाचूंगी बिल्कुल, यहाँ पे लव बाइट वब बाइट करवा के है, ये लव बाइट है, लड़कियां तुझे पता है आजकल कितनी डार्क लिपस्टिक लगाती हैं, तो डांस वांस कर रही होगी ऐसे झूम झूम के, तो लग गया होगा हल्का सा यार, वाह लव बाइट क्या यहाँ पे, लव बाइट एक्सेप्ट किया है, अगर तू मान रही है तो, तू बात ही ऐसी कर रही है, मान क्या रही है कि कोई लड़की तुम्हारे यहाँ तक, पहली बात किसी ने काटा, इनडायरेक्टली बोला अभी, पहली बात तुमने अभी क्या बोला कि कोई लड़की डांस कर रही होगी, उसने उसका गलती से ऐसे लिपस्टिक इतनी डार्क लगा दी, ऐसे टच वच हो गया होगा, इसका मतलब तुम लड़कियों के यहाँ टच करवाते हो? अबे टच करवा के जबरदस्ती टच करवाता हूँ, नाच रहे थे यार, एंजॉय नहीं करूंगा क्या? सही बात है, एंजॉय करूँ, मुझे तो पता भी नहीं लगा, वो तो तूने बताई मुझे, एंजॉय करना चाहिए है ना, मुझे भी एंजॉय करना चाहिए, रीस क्यों करती है मेरी तू, तो एंजॉय करना चाहिए, मुझे भी एंजॉय करना चाहिए, मैं भी किसी के ऐसे टच हो जाता भाई, मैं भी तो लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं भी लड़की पार्टीज में, मेरे को भी जाना पसंद है। चल हो गई गलती, सॉरी। क्या हो गई गलती? तब क्या बोलूं? पहले तो मेरे सामने अपनी फ्रेंड को बोल रहे हो, बेस्ट सॉरी सॉरी फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे हो कि मेरी फ्रेंड आ रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही हो कि गर्लफ्रेंड आ रही है, क्यों बताने में डर लग रहा है, तुम्हें मना तो नहीं कर देगी हो कुछ करने के लिए, मना कर देगी या किसी चीज में आने के लिए मना तो नहीं कर देगी? उसका ऐसा नेचर नहीं है यार, नेचर नहीं, तभी तो तुमने बोला कि फ्रेंड है मेरी, बहुत पॉसेसिव है यार, पॉसेसिव है तो मैं क्या हूं फिर, तू ओवर पॉसेसिव है यार, वो इतना नहीं है। एक काम करो तुम उसी लवण्य के पास जाओ और उसी के साथ रहो, उसके साथ पार्टी करो, यार एक बार क्या साफ करो, मैं क्या साफ करूं, देखेगा मैं क्या साफ करूं, उसी से करवा के लाओ ना जिसने कराया सब कुछ, मुझे क्या पता किसने कराया, सीरियसली नहीं पता यार, इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे पता है वो लवण्य का ही काम है, इतनी वो तो मुझे बातों से कुछ पता नहीं, लवण्य का काम नहीं हो सकता यार ना, डांस तो मैं उसके साथ करा था, डांस किसके साथ, डांस तो मैं प्रीति रश्मि पायल सौरभ था और एक लड़की और, इच्छा थी
लवण्या नहीं थी वहाँ पे। लवण्या तो अपनी पार्टी उसमें बंदों को तो प्रीति रश्मि और वेलकमिंग करने में लगी हुई है बंदों के साथ। प्रीति रश्मि और कौन कौन ये उसकी फ्रेंड है सारी, लवण्या नहीं हो सकती। प्रीति रश्मि इन सब ने तो नहीं कर दिया, करा किसी ने नहीं यार। ऐसे पहली बार कोई मिलेगा आके लपेट देगा। नहीं इसलिए तुमने मुझे बताया नहीं कि प्रेरणा मैं पार्टी में जा रहा हूँ, वरना तुम हमेशा सारी बात मुझे बताते हो कि प्रेरणा मैं यहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसलिए तुमने मुझे बताया नहीं है। मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ वहाँ पे, मैं लवण्या को जानता हूँ बस। लवण्या को जानते तभी तो लवण्या को छोड़ के बाकी सबके साथ नाच रहे हो फिर रहे हो। अब मुझे तो उसने बोला यार एंजॉय करो मेरे फ्रेंड्स के साथ, ऐसा ऑड फील ना हो कि बाहर से आए हो तुम कोई और। तो उसी लवण्या के पास जाओ, मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बदतमीजी मत करो, छोड़ो मेरा हाथ। उसी लवण्या के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों, छोड़ो। तो सुनती नहीं है यार बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सुनूं? छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं लेना तुम्हारे साथ। छोड़ो। सॉरी क्या है, मेरे को नहीं, पागल है क्या? जाओ उसी लवण्या फवण्या के पास। तू पागल है, लात मार रही है यार। मैं तो कपड़े गंदे करती है, दोबारा पार्टी में जाना है। अबे ए पागल, मन तो बुद्धि है क्या? अभी हाथ उठाऊंगा फिर बोलेगी मारो थप्पड़। अब गलती खुद ने करी है, गलती खुद करो हैं और थप्पड़ मारो मुझे। भैया मुंह तो निकल गई, थप्पड़ मारूंगी कहीं नहीं, बताओ। सॉरी हटे ऐसे, सॉरी अनु जोड़ो अनु, ये प्रैंक कर रहा था तेरे साथ अनु, मजाक कर रहा था। कूल डाउन बेबी यार। अनु वैसे बता भी मत करो, करो मेरी सांस फूल रही है। क्या हो गया, पानी पिएगी? बात मत करो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करके जाना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो दोनों को। और बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। फियरलेस।